रतनाथ कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। को देखेंगे, इंसेफ्लाइटिस आपको कुशीनगर से लेकर के सहारनपुर तक उसके पेशेंट मिलेंगे। डेंगू मथुरा फिरोजाबाद आगरा से लेकर के लखनऊ तक इससे जुड़े हुए मामले थे, कानपुर ये सभी उसमें देखने को मिलते हैं। मलेरिया बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र इसके दिशा संवेदनशील है। कालाजार के लिए वाराणसी और उसके आसपास के जनपद संवेदनशील है। चिकनगुनिया के लिए बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र इसके लिए संवेदनशील है। यानी प्रदेश कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कम या ज़्यादा रूप में उसके प्रभावित है। बीमारी बढ़ती तभी है जब कम की हम लापरवाही करते हैं और उसकी अनदेखी करते हैं। इसलिए हमें पूरे प्रदेश को इसके लिए लेना पड़ा है। इसलिए पूरे प्रदेश में एक साथ ये अभियान चलना चाहिए। पहली तारीख से अभियान चलना है हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर, हर ब्लॉक मुख्यालय पर, हर नगर निकाय, हर सार्वजनिक स्थल पर, ब्लॉक मुख्यालय, चिकित्सालय, इन सभी पर सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, संचारी रोग नियंत्रण से जुड़े हुए उसको लेकर के। इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनसे बचाव के लिए क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, एक। दूसरा, इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी लोग मिलकर के इस अभियान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। जैसे अभी अलग अलग विभागों ने बोला कि क्या उनके स्तर पर हो रहा है। स्कूल कुछ जगह खुल चुके हैं, कुछ पहली जुलाई से खुलेंगे, कुछ 5 जुलाई से खुलेंगे। बच्चों में अभी से अवेयरनेस के कार्यक्रम, हम टेलीविजन में विज्ञापन भी दें तो बहुत अच्छे छोटे छोटे विज्ञापन दें, लंबा विज्ञापन कोई देखता नहीं जी, छोटे विज्ञापन 30 सेकंड के विज्ञापन, प्रभावी विज्ञापन, अलग अलग उसके विज्ञापन हो, कोई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, कोई नगर विकास के द्वारा, कोई ग्राम्य विकास के द्वारा, कोई पंचायती राज के द्वारा, कोई अन्य विभागों के द्वारा, अलग अलग स्तर पर वे विज्ञापन जारी किए जाएं कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। और देखिए, बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, हम बचाव के लिए जागरूकता का एक विशेष अभियान चलाएंगे। स्वच्छता के लिए बच्चों को स्कूल भी आते हैं, मॉर्निंग जो उनकी असेंबली होती है केवल उसी में बच्चों को इसके बारे में बताया जाए कि भाई अपने नाखून को छोटा करके रखिए, बाल बना करके आइए, स्नान करके आया करें, दातून किया करें, स्वच्छ कपड़ों को पहना करें। इंसेफ्लाइटिस से संवेदनशील जो जनपद हैं वहाँ पे बच्चों को केवल ये बताया जा सके कि शाम के समय घर के बाहर खेलते हुए फुल बाह की शर्ट पहन करके बच्चे खेलें, बच्चों और अभिभावकों के साथ विद्यालय संवाद बना लें, स्वच्छता के लिए प्रभात फेरी निकालने की कार्रवाई हो जाए। यानी ये कुछ कार्यक्रम होने चाहिए जो बच्चों को उसके प्रति जागरूक कर सके। इंसेफ्लाइटिस देखिए, हम लोगों ने देखा है 40 वर्षों से, पहले 1 से 15 वर्ष तक के ही लोग इससे प्रभावित होते थे, अब हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। अलग विषय है कि हमने पिछले 4 वर्षों में इसको 78 से 80% रोगियों को रोगियों में कमी आई, लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं उनमें हर उम्र के लोग अब आ रहे हैं। बच्चे तो हैं ज्यादा लेकिन हर उम्र के लोग हैं। दूसरा, मौत के आंकड़े कंट्रोल हुए हैं। कारण है हर विभाग ने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास किया, लेकिन अभी भी हमारे सामने चैलेंज है कि जो 5% बाकी है, अगर डेंगू को हम उत्तर प्रदेश में नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कालाजार पे नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है अभी हमें उन्मूलन की दिशा में कार्य करना है, तो इंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण के आप नजदीक पहुंच चुके हैं, हमें उसके उन्मूलन की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाने हैं। और उस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण अभियान सभी के द्वारा होगा, अपने अपने स्तर पर हर विभाग को पूरी गंभीरता से इसे लेकर के इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना पड़ेगा। और इसमें यूनिसेफ, पाथ, WHO, टाटा ट्रस्ट और गोदरेज CSR से जो सहयोग हमें मिलता है,
देखिए संस्थाएं वॉलेंट्री हमारा साथ सपोर्ट करती हैं, हमें उन सबका सहयोग भी लेना चाहिए और इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके, देखिए इंसेफ्लाइटिस और संचारी रोग नियंत्रण का हमारा अभियान कोविड प्रबंधन में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हुआ। हमने जिन विभागों को इसके साथ जोड़ा था 2017 में, उन्हीं विभागों को ध्यान में रख करके बड़ी टीम बनाने की बजाय हम लोगों ने कोविड नियंत्रण के लिए पहले टीम 11 बाद में टीम 9 बना करके कोरोना जैसी महामारी को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की और देश के अंदर एक अच्छे मॉडल यूपी के द्वारा समय समय पर जो जारी किए गए ये उसके उदाहरण भी हैं। इसलिए इन सभी कार्यक्रमों पर हम लोग अपने कार्रवाई सभी विभाग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करें। पहली जुलाई से अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम होंगे, कहीं पर प्रभारी जो मंत्रीगण भी जाएंगे, कहीं नोडल अधिकारी जाएं, हर जनपद में कार्यक्रम हो। स्वास्थ्य विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारीगण जनपदों में जाएं, कैंप करें और इसे अभियान के रूप में एक तो लेने की कार्रवाई आगे बढ़ें। दूसरा, पहली जुलाई से लेकर के अभी स्कूल चलो अभियान को सफलतापूर्वक बेसिक शिक्षा परिषद भी और माध्यमिक शिक्षा भी दोनों के स्तर पर अपने अपने स्कूलों की स्थिति को ठीक करने की व्यवस्था, प्रयास ये होना चाहिए कि विद्यालय दर्शनीय होने चाहिए। मैं एक दिन यहीं लखनऊ में एक इंटर कॉलेज का ऐसे चला गया था मैं एक कार्यक्रम में। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर संचारी रोग को लेकर बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं और